आ, मिकी आर्थर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था आपने इनका जिक्र किया ही इज़ अ कोच काफ़ी टाइम से एंड उनके आने से मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है टीम में स्पेशली फील्डिंग में और हमारी जो है बैटिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका क्या किरदार है उन्होंने क्या काम किया देखिए जब मैं टीम में आता तो वही कोच थे ओके okay. और अगर हमारी ग्रूमिंग में हमारी परफॉर्मेंस में या हमें प्लेयर बनाना अगर उनको क्रेडिट नहीं देंगे तो ये गलत होगा क्योंकि देखिए करना तो मैं नहीं है हार्ड हार्डवर्क आपको स्किल मेरे पास है लेकिन अगर मैं आपको भाई यहाँ पे बोल दूँ ना कि यू आर माई मैच ऐसे करके ऐसे बोल दूँगा यू आर माई मैच में ना आपका है ये जो आपके आँख खड़ी हुई है ना इसके साथ आपका दिल भी बड़ा हुआ होगा आईब्रोज खड़ा किया ना आपने ऐसे इससे आपका दिल भी बड़ा होगा तो वो चीज़ चाहिए तो उस बंदे को पता चल गया था कि ये प्लेयर्स में क्वालिटीज़ हैं इन प्लेयर्स को अब मैंने बनाना है प्लेयर्स तो प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं कि अगर आप में बुरा टाइम आ गया तो आप फिर भी उसको सपोर्ट करोगे ना तो वो प्लेयर बन जाएगा मोहम्मद आमिर ने आमिर भाई जो हमारे उन्होंने कोई दस बारह मैच में आउट नहीं किया ठीक है तो हम जिम्बावे में थे तो अजू भाई जो है जम बुद्ध हमारे बॉलिंग कोच थे तो उन्होंने बोला कि इसको इसको हम अब ये आउट नहीं कर रहा तो इसके जहाँ पे किसी और को खिलाते हैं ना डिस्कशन होती है तो मैंने कहा नहीं यार वो बड़ा प्लेयर है ऐसे कैसे होता है अजू भाई लिटरली मुझे बोला कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो खेलेगा ना तू कौन होता है ये वो तो हम ऐसे रैंडमली बात कर रहे थे ठीक है अब मिक्की आथन ने आमिर भाई को चांस दिया 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 ठीक है उसके बाद वर्ल्ड कप था वो आमिर भाई ने वहाँ पर आउटिंग किया लेकिन अगले आठ मैच में सोलह आउट किया ठीक है अगर आमिर भाई को वहीं से आप निकाल देते तो वो सोलह आउट ना होते क्योंकि जो बॉलिंग हमारी आमिर भाई और शाहीन ने वर्ल्ड कप में की थी शहीन ने आई थिंक उन्नीस आउट किए थे या सोलह ऐसे कुछ थे और आमिर भाई के भी सोलह ऐसे कुछ आउट थे तो इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी फिर उसके साथ वहा भाई नहीं क्योंकि मैं वर्ल्ड कप दो हजार के एक दो मैच खेला था तो इन इन, इन इनकी बॉलिंग थी और फिर हमारी जो बैटिंग थी जैसे बाबर थे इमाम फिर हारिस भाई फखर तो असल में तो आपका टूर्नामेंट जो जितवाए बाबर बाबर तो एक्चुअल जो बाबर आजम दिखा था ना मुझे

उसको प्लेयर जो बनाया ना वो मिक्की ने बनाया था मिक्की उसको सपोर्ट करता था कि नहीं ही विल बी द मैच विनर ही विल बी द मैच विनर वाइट बॉल में तो वो ठीक बाबर ठीक था ना वाइट बॉल में टी ट्वेंटी में ब्योडिया में रन कर रहे हैं लेकिन जो वनडे टेस्ट में वो जो फ्लॉप हो रहे थे कभी तीन नंबर पे जा कभी चार पे कभी पांच पे लेकिन मिक्की की अब उसकी नज़र है ना उसकी थिंकिंग सोचा कि यार ये मेरा प्लेयर बनेगा तो देख ले आपके सामने आप भाई द किंग बाबर आजम द किंग बाबर आजम ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड यार आप कह My... सकते हैं, कह सकते सकते हैं हैं लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये लेबल लगे है बड़ा कुछ करना है यार उन्नीस सेंचुरियां अभी इनशाला चालीस तक जाएंगी पचास तक जाएंगी हम हम देंगे उसको क्रेडिट हम बोलेंगे द बेस्ट एवर ग्रेटेस्ट प्लेयर मैं तो अभी से बोलना शुरू कर दिया अगर आप मुझसे पूछेंगे ना हु इज योर फेवरेट प्लेयर मैं बोलूँगा बाबर आजम क्यों क्योंकि मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा एंड ही इज़ अ गुड यार ही इज़ द बेस्ट उस बंदे ने जो फैफ फोर हम फैफ फाइव की बात करते हैं ठीक है या जिसमें केन विलियमसन या स्मिथ विराट कोहली रूट जो रूट एंड बाबर आजम ठीक है खैर इसको भी छोड़े फैफ फाइव को जब आपके ग्रेट या बड़े बुजुर्ग या कोई भी आपको लगता है कि यार ये बहुत ग्रेट रह चुका हुआ है किसी भी फील्ड में जब वो इंसान नाम लेना शुरू कर देना इसका मतलब है कि आपका गेम दिस मैन इज द इज द बेस्ट तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बाबर का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि भाई वो है मुझे याद है रमीज राजा साहब जब कमेंट्री करते थे तो

सचिन के साथ कैसा कंपेर लगता है कहता है, भाई जिसको मैंने देख क्रिकेट खेलना सीखी है आप कैसे कर सकते हैं दो हजार सोलह में डिफरेंस बहुत बड़ा तो यहीं पे तो मतलब आ जाता है अब बाबर बेचारा खेला है एक सौ चार पांच मैच विराट कोहली को ढाई सौ के करीब खेल गया हाँ भाई जिस दिन ऐसे कर लेते हैं कि जिस दिन विराट कोहली और बाबर आजम के सेम से मैच होंगे उस दिन जिसके स्टैट्स ऊपर होंगे वो बेटर होगा अभी मेरे लिए अगर आप मुझे पूछें तो विराट कोहली ऊपर है ठीक है 100%. 100%. लेकिन मेरा बेस्ट फ्लेयर कौन है द किंग बाबर आजम द किंग बाबर आजम मैंने हमेशा उसके लिए ट्वीट किया मुझे उसको सुनाने की जरूरत नहीं है ये इसलिए सुना रहा हूँ कि फैन जो है वो नाराज मैं, नाराज न हो जाए जो नाराज़ न हो जाए उसको ऐसे ही बोला हमने किंग

बाबर अजम की बैटिंग पूरी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह से वो कंसिस्टेंटली खेलना शुरू किया आपको लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग पूरा लाइनअप चेंज हुआ है कॉन्फिडेंस नीचे yes, से आना शुरू बहुत हुआ है। चेंज हुआ है बहुत चेंज हुआ है आप देखें कि हमारे अगर पीछे हम चले जाएँ तो हमारे इतने प्लेर्स रैंकिंग में नहीं थे होते टॉप रैंकिंग में नहीं yes. थे होते अब हमारे प्लेयर्स टॉप रैंकिंग में और हमारी टीम नंबर वन है और बहुत एफर्टलेसली लगता है कि ये तो हाँ होता ही है लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है

बाबर आजम कुछ भी बात कर लेगा इमाम के साथ ठीक है मेरे साथ वो बात नहीं करेगा नहीं। जैसे मैं कोई भी बात शायद आपसे कर लूंगा कोई भी किसी टॉपिक पर कोई भी मेरी पर्सनल बात भी लेकिन मैं वो हो सकता है फहीम से ना करूँ फ़खर से ना करूँ और ये नहीं है कि वो मेरे दोस्त नहीं है नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी ठीक है लेकिन मैं एक वो होता है ना कि आप यार एक इंसान के साथ मुख्तलिता है सबसे कम्फर्टेबल हो या इंसान के साथ तो वो है ठीक है हालांकि हमने कभी ऐसी कोई चीजें की ही नहीं है कि जो मैं इसके कान में जाके बात करूं या अल्लाह माफ करे कोई सबको सबका पता है ठीक है तो बाबर इज अट क्वाइट पर्सनैलिटी वो थोड़ा वो मतलब क्वाइट रहता है हम्बल है वो जब जब से उसने रन किया वो हम्बल होता है अच्छा उनकी हम्बल के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र सुना है मैंने जो भी मेरे आस के लोग उनसे हाँ दो हजार सोलह में वैसा नहीं था आई नो फ्रेंड ऑफ माइंड जो उनसे मिला टाइम स्पेंड किया बाबर आजम इससे बड़ा हम्बल क्रिकेटर उसने बहुत क्रिकेटर से वो <coughs> ना अच्छा बाबर आजम दो में ऐसा नहीं था जैसे जैसे परफॉर्म करता गया वो हम्बल होता गया और ये उल्टा उल्टी बात है ऐसा होता नहीं है ना तो इसलिए तो आप... आपको बोलूंगा क्योंकि मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है मैंने उसको प्लेयर बनते हुए देखा है मैंने उसकी पर्सनैलिटी चेंज होते हुए देखी है टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ 2016 में वो कुछ और था और अभी कैसे हैं वो अभी अब बताने की जरूरत ही नहीं है यार अगर आपकी नहीं है वो ठीक है अगर आप मेरी परफार्मेंस पे भाई बात करेंगे ना तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरी परफॉर्मेंस नहीं है मैंने बोला भाई कि मैंने वर्ल्ड कप में नहीं मैं खुद को रहा क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है वाइट बॉल में मैंने बोला ठीक है हाँ रेड बॉल में है मेरी परफार्मेंस रेड बॉल में जब मैं निकला था वो भी गलत निकला था ठीक है तभी तो मैं रेड बॉल में मैं हूँ तो मैं ठीक हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ ठीक है लेकिन मेरी वाइट बॉल में सब परफॉर्मेंस नहीं है तो क्रिटिसाइज आप मेरी परफार्मेंस पे करो आ ओके ठीक है अब मैं कोई टिकटॉक की वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मेरी लाइफ नहीं है वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है ठीक है तो वो भी किसके लिए बना रहा हूँ वो जो मैंने तो शौक के लिए बना रहा हूँ ठीक है मैंने रैम पे वॉक कर ली उस पर मसले बन गए भाई मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई फिक्सिंग कर रहा हूँ कत्ल कर रहा हूँ चोरी कर रहा हूँ <laughs> क्या वर्ड इस्तेमाल कर लिया अभी आपने <laughs> क्या कर रहा हूँ भाई आ, कोई गलत तो नहीं ना कर रहा सही बात है तो कुछ और चीज कर ली तो उसपे वो गलत होता है एंड आई थिंक हमारे हम दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ के प्लेयर्स की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और बहुत अलग हम हमारी तो कुछ भी नहीं है सब तफरिया कर रहे होते हैं अच्छा अब उसमें वहाँ पे प्लेयर्स का उतना क्रेज भी नहीं है ना उसकी वजह ये है कि उनके और बहुत सारे स्पोर्ट्स है ठीक है और, में है हाँ तो यहाँ पे हमारा ये हम, हम है ना hmm. तो, तो वो इमोशनल कॉम है, है नाइक होता है मेरी बात याद रखिएगा या यहाँ इमोशनल बंदा सच्चा होता है यहाँ गुस्से वाला बंदा सच्चा होता है ठीक है और आप इन दोनों के बीच में लग रहे हैं मुझे अच्छा ये आपके ऑब्जर्वेशन मजाक कर रहा हूँ